नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम आए हुए हैं जोधपुर और यहाँ कल रात आ गए थे। अभी हमें कोई लोड मिला नहीं है, आज देखते हैं कहाँ का लोड मिलता है। और अभी हम ये सांगरिया बाईपास है, इस पे खड़े हैं। और हम खड़े हैं अभी श्री श्याम बाबा टेम्पू सर्विस, ये झज्जर के पास के रहने वाले हैं भाई साहब। तो देखते हैं यहाँ कहाँ का माल मिलता है। भाई ये ट्रांसपोर्ट है श्री श्याम बाबा टेम्पो सर्विस, अभी हम इसी ट्रांसपोर्ट पे खड़े हैं। और ये बाईपास बन रहा है जो सांगरिया बाईपास है, यहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। दोस्तों अपना लोड मिल चुका है अम्बाड़ा के लिए और हमारी गाड़ी में जाएगा घोड़ा। और अभी यहाँ से गौशाला से लोड होगा, अभी हम जाएंगे गौशाला। 11 बजे बुलाए हैं तो रस्सा तिरपाल उतारना पड़ेगा, तो अभी रस्सा तिरपाल उतार देते हैं। दोस्तों पार्टी का फ़ोन आ चुका है, अभी चलते हैं नांदड़ी गौशाला जोधपुर, तो वहाँ से घोड़ा लोड करें। हम नांदड़ी गौशाला पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भाई साहब आएंगे, इसके पास में है कोई उनका फार्म हाउस, तो वहाँ से लोड होगा घोड़ा। तो मेरे पीछे ये मेन गेट है नांदड़ी गौशाला जोधपुर, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो अभी आ रहे हैं वो, उसके बाद चलते हैं। मेरे पास में एक मकान बन रहा है, ये देखो। तो इसमें देखो एक ख़ास बात है कि इन्होंने पिल्लर की जगह ना पत्थर के पिल्लर, पूरा का पूरा पत्थर खड़ा कर रखा है, और ऊपर बीम की जगह भी पत्थर ही डाल रखा है। और साथ वाले में भी देखो, जैसे हम ऊपर लेंटर तो डला है, लेकिन जो बीच में हम बीम डालते हैं ना, उसकी जगह इन्होंने पत्थर, डायरेक्ट पत्थर रखा हुआ है। और इन्होंने ये देखो नीचे लेंटर है, और फिर ऊपर ये पिलर, बिल्कुल ये देखो कोने पे एक और पिलर खड़ा है, पूरा का पूरा पिलर ही है पत्थर का। और ये देखिए बिल्कुल सारा पत्थर, पूरा का पूरा सिल्ली। भाई साहब के घर आ चुके हैं, यहाँ उन्होंने अपनी बैठक में बिठाया है हमारे को, और हमारे सामने ये घोड़े की सीट रखी हुई है। और अभी आपको घोड़ा भी दिखाएंगे। ये भाई साहब का घर है, ये भाई साहब खाना लेके आए हैं हमारे लिए। तो ये है वो घोड़ा जो अपने गाड़ी में जाओगा, है रेस वाला घोड़ा है ये, मुंह बांध रखे इसका। हम चल रहे हैं वापस ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि ये हो गया कैंसल, घोड़े को हमारे साथ जाना शायद हमारे क्रम में नहीं था हमारी गाड़ी। तो देखते हैं अभी वहाँ से कहाँ का माल मिलता है, इनका कोई रेट वगैरह में आपस में इनका कोई, इन्होंने बेचा था आगे, और वो अगला बंदा है उन्होंने बस कैंसिल कर दिया कि हमें नहीं चाहिए घोड़ा। तो अभी हमारा जो ये लोड था कैंसिल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं वापस। दोस्तों हम कंपनी में पहुंच चुके हैं जहां से हम अपनी गाड़ी लोड होगी। ये मेरे पीछे लाइट के उसमें दिख नहीं रहा है, ये बाहर सामान रखा हुआ है। और ये इस साइड है, एक और गाड़ी लोड हो रही है, और इसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर आएगा, वो पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है। वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पहुँचे हैं, ये जोधपुर के अंदर ही है। तो अभी थोड़ी देर में लोड होगी गाड़ी, फिर निकलते हैं। दोस्तों अपनी गाड़ी लोड होना शुरू हो चुकी है, और ये भाई मशीन से लेके आ रहे हैं सामान, और ये काफ़ी भाई दूर हो जाते हैं, ये यहाँ से भी उठाएंगे ऐसे। देखो भाई ये मशीन ते, और ये अपने इसको आगे तक देगा। अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगी, फिर रस्सा तरपाल करेंगे, बिल आएंगे,
तो थोड़ा लेट तो जरूर होंगे भाई। गिनती कर लो यार बन ले यार। अरे अल्लाह मैं ऊपर भी लगा दिया सब लगा देंगे और भगवान। दोस्तों रात के 12 बजने वाले हैं और अभी अपनी गाड़ी रस्सा तिरपाल होके ओके हो चुकी है, डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, अभी चलते हैं करनाल इंद्री। सुजानगढ़ से पहले गाड़ी रोकी है, नींद आने लगी थी चाय पीने के लिए। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये अपनी गाड़ी खड़ी है पीछे, अभी चाय पियेंगे फिर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम हरियाणा के अंदर एंटर हो चुके हैं और अभी ये सैनीवास गांव आया है। तो हम रात थोड़ा लेट निकले थे, अभी तक तो हम घर पहुंच जाते, तो रात थोड़ा लेट निकले भाई, 12 बज गए थे, 12 बजे 12:15 बजे चले थे हम वहाँ से। तो अभी कहीं रोकेंगे, कुछ खाना चाय पानी नाश्ता करेंगे और दोपहर का खाना घर पे खाएंगे। दोस्तों रात हमने वीडियो नहीं बनाई, दोस्तों घर पे पहुंच गए थे और आते ही सो गए थे, थकावट ज़्यादा हो गई थी, तो अभी उठे हैं, भाई ने उठाया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ऐड कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, राम राम करता हूँ भाई, बाय बाय।